एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहां पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई, उसने कहा क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तुमने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहां कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए।